नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, महाराष्ट्र में तकरीबन एक महीने तक चले नाटक के बाद उद्धव ठाकरे सीएम तो बन गए, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना एक बार फिर बाजी पलटने को तैयार है। वो धोखा दे सकती है कांग्रेस और एनसीपी को, जिसके साथ जाकर शिवसेना ने सरकार बनाई थी, गठबंधन किया था और इसका नाम दिया था महाविकास अघाड़ी। लेकिन अब जल्द ही ये गठबंधन टूटने के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने इशारों इशारों में ही साफ कर दिया है कि आगे बीजेपी और शिवसेना फिर से एक पटरी पर आ सकते हैं। जोशी ने मंगलवार को साफ कहा कि उनकी पार्टी और बीजेपी निकट भविष्य में फिर साथ आ सकते हैं और इसके पीछे की वजह हो सकती है नागरिकता संशोधन बिल, जिसे लेकर बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान उद्धव ठाकरे से काफी नाराज है और इसी वजह से इस गठबंधन पर खतरे की तलवार लटकती नजर आ रही है। और इसी पर मनोहर जोशी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर उचित समय आने पर फैसला करेंगे। उनका बयान इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस में गतिरोध बना हुआ है, वहां पहली बार शिवसेना की तरफ से किसी बड़े नेता का यह बयान आया हुआ है। हालांकि इस गतिरोध को देखते हुए ही शिवसेना ने ये कहते हुए अपने कदम पीछे भी खींच लिए थे कि वो सब कुछ स्पष्ट होने तक कैब का समर्थन नहीं करेगी, यानी कि कैब यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इशारों इशारों में ही वार्निंग देते हुए पूर्व सीएम जोशी ने यह भी कहा कि छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ने की जगह बेहतर है कि कुछ बातों को बर्दाश्त किया जाए। जिन मुद्दों को आप दृढ़ता के साथ महसूस करते हैं उसे साझा करना अच्छा है। अगर दोनों दल साथ में काम करते हैं तो ये दोनों के लिए बेहतर होगा। जोशी ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि शिवसेना अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। उद्धव ठाकरे सही समय पर सही निर्णय लेंगे। दोस्तों को बता दें कि दोनों दलों में बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति नहीं बन पाने के चलते महाराष्ट्र में दोनों अलग अलग हो गए थे। इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। वहीं नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर भी दोनों दलों के बीच तल्खी पैदा हो गई है। शिवसेना की गठबंधन सरकार को बने करीब दो हफ्ते हो रहे हैं और रोज रोज नए नए गतिरोध सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मतभेदों के चलते ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी नहीं हो पा रहा है। अटकलें ये भी जताई जा रही हैं कि अगर ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर बात बनती है तो महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से करवट ले सकती है। इधर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस और शिवसेना में सब कुछ ठीक न होने की आशंका जताई है। दरअसल लोकसभा में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन राज्यसभा को लेकर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सभी बातें स्पष्ट होने तक वो कोई फैसला नहीं कर सकते। इस पर पूर्व सीएम और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सवाल किया है कि क्या शिवसेना कांग्रेस के दबाव में आ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शिवसेना समेत दूसरे दलों की ओर इशारा करते हुए साफ तौर पर यह संकेत देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि इस बिल का समर्थन कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों ने देश की बुनियाद को कमजोर करने का काम किया है, देश की बुनियाद पर हमला किया है। हालांकि हैरानी है कि उसी पार्टी के साथ राहुल की पार्टी सत्ता शेयर कर रही है और इसी को देखते हुए लग रहा है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद शिवसेना राज्यसभा में अपने कदम पीछे खींचती हुई दिखाई पड़ती है। बड़ा दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है नीचे अगर कमेंट सेक्शन में भी बात लिखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल वीके न्यूज को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।